हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब गिवन है कि एन इज इक्वल टू 99 टू द फोर्थ पावर प्लस 4 टाइम्स 98 टू द फोर्थ पावर होल डिवाइडेड बाय 98 स्क्वायर प्लस 197 स्क्वायर। यदि आप इसको एक्सपोनेंट का रूल यूज करके सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं आप। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम हैं जिसको आप सोफी जर्मन आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में दूंगा, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोफी जर्मन आइडेंटिटी पर ही है, जहाँ पर ए की वैल्यू है 99 और बी की वैल्यू है 98। तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर इसको आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी 99 प्लस 98 होल स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। फिर आप इसको लिखेंगे 99 माइनस 98 होल स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 98 स्क्वायर प्लस 197 स्क्वायर विच इक्वल्स 99 और 98 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 197 स्क्वायर है प्लस 98 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 99 माइनस 98 1 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 98 स्क्वायर प्लस 197 स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वही न्यूमरेटर में एक फैक्टर भी है। इसको आप आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं विच इक्वल्स 98 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1। उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन विच इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन की वैल्यू आई है 98 स्क्वायर प्लस 1 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 98 स्क्वायर विच इक्वल्स 98। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब आपको मैं सोफी जर्मन आइडेंटिटी का प्रूफ बता रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखने वाले हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से इसको ओपन कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर पहले से है मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर। फिर टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर को इन सभी से मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलेगा ए टू द फोर्थ माइनस टू ए क्यू बी प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर टू ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको मिलेगा टू ए क्यू बी माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यू। फिर टू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी क्यूब फिर फोर बी टू द फोर्थ। अब इसमें से जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर है माइनस टू ए क्यूब बी, यहाँ पे है प्लस टू ए क्यूब बी, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलकर फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस फोर स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद है प्लस फोर ए बी क्यूब और माइनस फोर ए बी क्यूब, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको मिल क्या रहा है ए टू द फोर्थ प्लस
फोर टाइम्स बी टू द फोर्थ। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।